कर्मचारियों द्वारा दो दिन की हड़ताल, 15 और 16 मार्च को जारी है हड़ताल। सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर और सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण को लेकर विरोध के स्लोगन लिखे, हाथों में तख्तियां लेकर बैंकों के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। बैंकों की हड़ताल से आम लोगों और व्यापारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सभी मुख्य बैंक कर्मी हड़ताल के दौरान प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सेंधवा बैंक ऑफ इंडिया के सामने प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारी एकता 21 दिन की वो हड़ताल भूलो मत, भूलो मत। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। सर, बैंकों के सामने विरोध प्रदर्शन जारी है और ये निजीकरण का क्या विरोध है? देखिए, आपने अभी देखा होगा सरकार की जन विरोधी और आर्थिक नीतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं वर्तमान में। निजीकरण, सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने के लिए घोषणाएं हो रही हैं। अभी बजट में आपने सुना होगा दो बैंकों, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा बीमा कंपनियों का भी निजीकरण किया जाएगा। तो उसके विरोध में हम देश भर के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी और अधिकारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। कल से हम हड़ताल पर हैं, 15 और 16 मार्च 2021 में दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी। इसमें 10 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर आ गए। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये निजीकरण जो सरकार करने जा रही है उसको तुरंत रोक दे, क्योंकि आने वाले समय में इस पर देश की करीब 95% जनता जो कि निम्न मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करती है उसको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव। अगर ये सरकार आपकी मांगे नहीं मानती हैं तो आगे भी विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। अभी तो दो दिवसीय बैंक की हड़ताल की गई है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर, और इसमें अभी सरकार इस पर विचार नहीं करती है, निजीकरण के फैसलों को वापस नहीं लेती है। तो आने वाले समय में वो संभवतः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बंद कर दी जा सकती है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सेंधवा से मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।